हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स। देखिए, मास्लो का जो हायरार्की नीड्स का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, या मास्लोज़ ट्रायंगल भी इसको बोला जाता है, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अलग अलग नाम से ये आपको मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली मास्लो की थ्योरी है ये अबाउट हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। जिस हायरार्की में नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को यहाँ पे सेट किया एक ट्रायंगल के थ्रू मैस्लो ने, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की। देखिए, मैस्लो का बात करें तो अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम था, ठीक है। और ये जो थ्योरी है ये प्रपोज की थी इन्होंने, और इनके बाद मॉडिफाई की थी रूट ने, ठीक है। तो याद रखें ये चीज कि हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है ये प्रपोज की है अब्राहम मास्लो ने और मॉडिफाई की थी रूट ने, ठीक है। कब? 1954 में प्रपोज हुई और 1970 में मॉडिफाई की गई रूट के द्वारा। मास्लो डिस्क्राइब हाउ मोटिवेशन डेवलप स्टेज बाय स्टेज फ्रॉम प्योरली साइकोलॉजिकल ड्राइव्स टू कॉम्प्लेक्स सोशल पर्पसेस, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे सेट किया, शुरू होती है जो थ्योरी, जो हमारा ट्रायंगल है वो साइकोलॉजिकल ड्राइव से, और कहाँ तक जाता है? कॉम्प्लेक्स सोशल पर्पसेस तक जाता है। वो अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा। अब यहाँ पे मास्लो ने क्लासिफाई किया नीड्स को पांच कैटेगरी में। पांच कैटेगरी में इनका ट्रायंगल डिवाइडेड है: साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ह्यूमन बीइंग को मोटिवेटेड बाय हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स है, ठीक है। बी यहाँ पे सेकंड वन है, नीड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की ऑफ प्रॉपेटेंसी इन विच मोर बेसिक नीड्स मस्ट बी मोर और लेस मेट रेदर देन ऑल और नन प्रायर टू हायर नीड्स, ठीक है। मतलब बेसिक नीड्स देखिए आपकी जब पूरी हो जाती है, जब भी आप ऊपर बढ़ते हो, ठीक है। अभी ट्राइंगल डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। द अदर ऑफ द नीड इज नॉट रिजिड बट इंस्टेड मे बी फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है मोस्ट बिहेवियर इज मल्टी मोटिवेटेड दैट इज साइमेंटेनियसली डिटरमाइंड बाय मोर देन वन बेसिक नीड, ठीक है। एक आपको बेसिक नीड चाहिए तो उसके साथ बाकी चीजें भी चाहिए, ठीक है। और हर एक चीज के लिए मल्टी मोटिवेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, आप ट्राइंगल देखिए, आपको इससे समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। नीचे से ये ट्राइंगल शुरू होता है, इस चीज का ध्यान रखिए, एंड देन ये नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। जितनी नीचे है वो बेसिक नीड्स है, और जितनी ऊपर आप जाएंगे वो हायर नीड्स है, ठीक है। यहाँ पे जरूरत की चीजें हैं और यहाँ पे बढ़ती जाती हैं चीज, जो नीड्स है वो लेवल उनका बढ़ता जाता है, ठीक है। जितनी नीचे होते हैं वो सर्वाइवल नीड्स होती हैं, और जितनी ऊपर आप जाएंगे वो ग्रोथ की नीड्स होती हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। तो याद रखें, नीचे बेसिक नीड्स और जितनी ऊपर जाती हैं हायर ऑर्डर नीड्स। जितनी नीचे है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और जितनी ऊपर जाती हैं वो ग्रोथ की नीड्स है, ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है साइकोलॉजिकल नीड्स। देखिए, ये वो बेसिक जरूरत की चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसके बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है। जैसे ब्रीदिंग, फूड, वाटर, एक अच्छा रेस्ट आपको मिले, स्लीप मिले एंड वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है। ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं? ताकि एक ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, ठीक है। तो ये नीड्स जब एक इंसान की पूरी होती है वो तभी ऊपर बढ़ता है। अगर यही नीड्स पूरी नहीं है तो वो ऊपर नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरी नीड्स आती है, सेफ्टी की नीड्स। देखिए, जब आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है उसके बाद एक इंसान बढ़ता है सेफ्टी नीड्स पर, जिसमें वो अपनी बॉडी की सेफ्टी, अपनी जॉब की सेफ्टी, अपने रिसोर्सेज ऑफ मॉरालिटी, अपनी फैमिली, अपने हेल्थ, जहाँ पे वो रहता है, हाउस, इन सब की सेफ्टी देखता है, ठीक है। वो एक ऐसा घर लेगा जहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट हो, वो सेफ फील करे, ठीक है। वो अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएगा, ठीक है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएगा, अपनी फैमिली का कराएगा। क्यों कराएगा?
बिकॉज उसको सेफ चाहिए अपनी लाइफ, सेफ्टी चाहिए अपनी लाइफ में, राइट? जब एक इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हुई तो वो आगे बढ़ा सेफ्टी नीड्स पे। अब साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी होती है और सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो रही है, तो अब आगे और बढ़ेगा, ठीक है, लव और बिलोंगिंगनेस की नीड, जिसमें एक इंसान को ये चाहिए कि उसको प्यार मिले, जिस सोसाइटी में वो रहता है उससे प्यार मिले, एक प्यारा परिवार उसके पास हो, एक फैमिली हो, ठीक है, एक लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ वो लाइफ स्पेंड कर सके, तो एक बिलोंगिंगनेस हो उसके पास, ठीक है, और जहाँ वो रहता है सब उसको एक्सेप्ट करे, चाहे वो सोसाइटी हो, फैमिली हो, फ्रेंडशिप हो, हर एक चीज़ में, ठीक है। तो अब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी, सेफ्टी नीड्स पूरी, तो वो लव की नीड्स, बिलोंगिंगनेस की नीड्स ढूंढता है। अब ये भी पूरी हो जाती है, तीनों पूरी है, तो और आगे बढ़ता है। अब वो खोजता है इस्टीम, ठीक है, इस्टीम। यहाँ पे ये वाली नीड्स कौन सी है? ये है सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर्स। यहाँ पे बेसिकली देखिए, एक इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है, मतलब वो जहाँ रहता है वहां पे उसकी पहचान हो, वो औरों को रिस्पेक्ट कर रहा है तो बदले में उसको भी रिस्पेक्ट मिले, एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आए, वो एक समाज में एक सभ्य इंसान बनकर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक इंसान देखता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहां मेरी क्या पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, तो मेरी पहचान मेरी सोसाइटी में है दैट शी इज अ टीचर, ठीक है। वहीं पे आई हैव अ सिस्टर, तो वो डॉक्टर है, तो वहां पे उसकी पहचान है कि वो डॉक्टर है, ठीक है, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ इस्टीम, जो आपने मतलब आपकी जिस चीज से पहचान है, ठीक है। हम औरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको हमारा नेचर पता होता है, हम कैसे हैं कैसे नहीं है, तो इन चीजों से हम अच्छा फील करते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सभ्य इंसान बनके हम उस सभ्यता के साथ उस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी, तो सेफ्टी नीड्स पे पड़ा, सेफ्टी और साइकोलॉजिकल दोनों पूरी है तो लव और बिलोंगिंग पे पड़ा इंसान। इसके बाद देखिए, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, ये सब पूरी हुई तो इस्टीम पे बढ़ा। अब ये चारों पूरी हो रही है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, इस्टीम, तो अब वो पांचवी स्टेज पे आ गया, पांचवी नीड्स पर आ गया, ठीक है, जो सबसे ऊपर है इस ट्राइंगल में, लास्ट है, दैट इज हाई ऑर्डर नीड्स, सबसे हाई ऑर्डर की नीड्स, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें इंसान अपने आप को पहचानता है, वो जिस चीज के लिए है वो वही करता है, मतलब उसकी मोरालिटी क्या बोलती है, सही क्या है, गलत क्या है, वो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से चीजें करता है, अपने तरीके से चीजें करता है। अब इस स्टेज पे वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीजों को समझ पाता है, एक्सेप्ट करता है सच्चाइयों को, फैक्ट्स को, ठीक है। और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए, इंसान जिसके लिए होता है, लाइक जिस चीज में वो टैलेंटेड होता है उसको चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अच्छे से पढ़ाता है तो वो टीचर बनेगा, ठीक है, किसी को अगर हेल्प करना अच्छा लगता है तो वो सोशल वर्कर बनेगा, ठीक है, किसी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो लाइक नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर, इन सब फील्ड में जाएगा, ठीक है, किसी को लोगों को सर्व करना अच्छा लगता है तो वो हॉस्पिटैलिटी फील्ड में जाएगा। तो दैट डिपेंड्स कि आप अपने मोरालिटी, क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट के हिसाब से, आप किस चीज में प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो, उस चीज के हिसाब से आप उस क्षेत्र में, उस चीज में जाते हो, मतलब जिस चीज में आप अच्छे हो वो चीज आप करते हो, ठीक है। तो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट व्हाट ही कैन बी ही मस्ट बी, ठीक है, व्हाट ही कैन बी ही मस्ट बी अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स, ठीक है, सॉरी हिज और हर टैलेंट्स, ठीक है, अपने टैलेंट्स के अनुसार जिस चीज में वो अच्छा है वो चीज वो चुने, ठीक है। ये सबसे लास्ट है हमारे ट्राइंगल में, ठीक है, जब ये चारों पूरी हो जाती है तो इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स ढूंढता है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है, जैसे कि
डेली वेज के वर्कर्स होते हैं, जिन्हें पता है मैं आज काम नहीं करूंगा तो कल मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। तो वहां पे वो लोग आप देखते हो, वो फुटपाथ पे सो जाते हैं, किसी फ्लाईओवर के नीचे ही अपना छोटा सा घर बना लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे उनकी फैमिली होती है नहीं होती है, उनकी कोई प्रोफेशन नहीं होता है, कुछ उनकी इच्छाएं नहीं होती है, कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो वहां पे देखिए, जब तक आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैस्लो बोलते हैं कि अगर आपकी फर्स्ट लेवल की नीड्स पूरी होती है तो सेकेंड पे बढ़ते हो, फर्स्ट और सेकेंड दोनों पूरी होती है तो थर्ड पे बढ़ते हो, अब ये तीनों पूरी है तो फोर्थ पे बढ़ते हो, ये फोर्थ पूरी है तो आप फिफ्थ पे बढ़ते हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे मैस्लो के द्वारा बोली गई। ये ट्रायंगल आपको जरूर बनाना है अपने एग्जाम में, अगर आप यहाँ पे आंसर अटेंड कर रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग दिस आंसर इन योर एग्जाम, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, थोड़ा थोड़ा आप इनको डिस्क्राइब करेंगे। सेल्फ एस्टीम की नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। मैस्लो एम्फसाइज दैट नीड शुड बी अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्की का मतलब होता है एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, बेसिकली बेसिक से लेके हाई के सीक्वेंस में, ठीक है। आप किसी भी चीज को अरेंज करते हो, तो मैस्लो ने वही किया अपने इस ट्रायंगल में, उन्होंने बेसिक टू हाई सीक्वेंस में इसको अरेंज किया, ठीक है। एंड इंडिविजुअल विल नॉट कंसिडर अ पर्टिकुलर नीड टिल दोज दैट आर बिलो। जब तक उसकी नीचे वाली ही नीड्स पूरी नहीं हो रही है, बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है, तो कैसे वो अपनी इच्छाओं को जी सकता है, ठीक है। मतलब मे बी वो इंसान एक लग्जूरियस हाउस खरीदना चाहे, एक पेंट हाउस खरीदना चाहे, पर अगर उसके पास लाइक सर ढकने को ही छत नहीं है, बेसिक एक उसके पास ये लगा लीजिए आप 20 गज का ही एक कमरा नहीं है, तो कैसे वो पेंट हाउस ले सकता है। तो पहले बेसिक चीजें कंप्लीट होनी जरूरी है, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। अ बेगर विल कंसर्न ओनली ऑन सेटिस्फाइंग हिज साइकोलॉजिकल नीड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग डेली वेजेस वर्कर होते हैं या जो लोग बेगर्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स उनकी पूरी हो जाए उसी पे उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है, उनको अपनी सेफ्टी की, घर की, फैमिली की, ये सब चीजें नहीं इतनी वो लोग सोचते हैं, राइट, ठीक है। तो ये सब है। हेंस द सेटिस्फेक्शन ऑफ लोअर नीड्स मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल टू स्ट्राइव फॉर ग्रेटर नीड्स। देखिए, हर इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, वो अपनी लोअर नीड्स को पूरी जैसे ही करता है तो वो आगे और नीड्स को पूरी करने के लिए आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड्स बेसिक पूरी हो रही है तो फिर वो सेफ्टी ढूंढता है, सेफ्टी भी पूरी हो रही है तो फिर वो बिलोंगिंगनेस और लव की नीड्स ढूंढता है, ये भी पूरी हो रही है तो वो सेल्फ एस्टीम की नीड्स ढूंढता है, इसके बाद ये भी पूरी है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स ढूंढता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैस्लो बोलते हैं। द फर्स्ट थ्री नीड्स आर ग्रांटेड और डिनाइड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जो पहली तीन नीड्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रिकरिंग इन नेचर एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग व्हेन इज डिनाइड। द लास्ट टू जो है वो ग्रोथ मोटिवेट करती है एंड एंड इमर्जिंग फ्रॉम विद इन, मतलब वो आपके अंदर से आती हैं, ठीक है, कि आप अपना एक सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बनाना चाहते हो, ठीक है। तीन तो आपको चाहिए ही चाहिए लाइफ में, बहुत बेसिक है, लेकिन बाद की दो आपके अंदर से जब तक एक आवाज नहीं आएगी तब तक फुलफिल करनी बहुत मुश्किल है, राइट। When its aims are fulfilled in it grows stronger. तो देखिए, जो चीजें आपकी कंप्लीट होती जाती है, आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, बिल्कुल। A person will become self-actualized if he receives full satisfaction from basic needs. तो अगर उसकी बेसिक बाकी सब नीड्स पूरी है तो ही वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, लास्ट वन पे पहुंचता है, ठीक है। आप जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मैंने आपको बोला, आप वो प्रोफेशन तभी चूज करोगे जो आप बनना चाहते हो, आप वो तभी बनोगे जब आपको पता है कि हाँ मैं पेट तो अपना भर लूंगा, ठीक है, तभी आप कोई कोर्स वगैरह करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 12th के बाद बहुत बच्चे जॉब करने लग जाते हैं, अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ के जॉब करने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनको अपनी आगे की पढ़ाई उसी कारण
छोड़नी पड़ती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक बच्चा जिसकी बेसिक नीड्स उसको पता है पूरी होंगी, तो मे बी वो अपनी ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, कोई वोकेशनल कोर्स भी कर रहा है और फिर जाके जॉब कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि फैक्टर्स क्या क्या है लाइफ में, ठीक है, बेसिक नीड्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है तो किस लेवल तक हो रही है, ठीक है। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँ तो आप वो कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।